लुक लाइक हमें इसी तरह की एक वेबसाइट बनानी है विद इन जो है 50 मिनट्स के अंदर। आप घड़ी देख लीजिए, अभी 8:19 हो रहा है, हम 50 मिनट्स में पूरी वेबसाइट लुक लाइक जिस तरह की वेबसाइट है ऐसी वेबसाइट हम बना देंगे, ठीक है। और आपको बना के भी हम दिखाएंगे और पूरा ए टू जेड उसमें ऐड टू कार्ड करके सब चीज़ दिखाएंगे। बस फ़र्क ये रहेगा कि इसमें जो चीज़ें ये सब प्रीमियम की चीज़ें हैं, तो प्रीमियम की चीज़ें आप बाय करना चाहें बाय कर सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं इसमें देखते हैं। खैर आपको तो फ्री में मिल जाएगा क्योंकि आप तो हम क्लास ले रहे हैं, आपको फ्री में मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट वो लोग जो देखना चाहेंगे इसको या फिर लेना चाहेंगे आपके वीडियो के थ्रू, उनके लिए मैं बता रहा हूँ, वो अगर चाहे देख सकता है, ठीक है। तो मैं चलता हूँ, इसके लिए मैं यहाँ पे एक डोमेन मैंने क्रिएट कर लिया ऑलरेडी, एक सब डोमेन मैंने बना ली है। यहाँ पे मेरे पास ये सब डोमेन है, ये साइट बिल्कुल ब्लैंक है, इसमें कुछ नहीं है अभी, आप देखना चाहें इसमें कुछ नहीं है, बिल्कुल ब्लैंक है। ये कुछ चीज़ें हैं, ये आप चीज़ों को पहले रिमूव कर लीजिए। इससे क्या होता है कि आप जब चीज़ों को नीट एंड क्लीन कर लेते हैं साइट को, तो उससे आप इजी तरीके से आप अपने वेबसाइट के जो कंटेंट वगैरह हैं तो उसमें कोई ये नहीं होता, ख़राब नहीं होता, वो बिल्कुल इजी तरीके से सेटअप हो जाता है। तो इसलिए ये सब चीज़ें जो फालतू की चीज़ें, ये सब कोई काम की चीज़ें है नहीं, तो इसलिए ये सब चीज़ें आप यहाँ से डिलीट कर दीजिए। यहाँ पे एक पोस्ट में भी एक पोस्ट पड़ा हुआ होगा, वो हेलो के नाम से एक पोस्ट होगा, वो भी आप डिलीट कर दीजिए। और एक कुछ प्लगइन्स होगा, जो प्लगइन्स हमें उसकी भी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसलिए हमें प्लगइन्स भी हमें उसको रिमूव कर देना है, ठीक है। यहाँ पे कुछ प्लगइन्स हैं, ये आपको यहाँ पे दिखेगा। सबसे पहले आप जब ये पूरी वेबसाइट जब आपका वो हो जाए, रिफ़्रेश हो जाए, ये सारे प्लगइन, ये सारे प्लगइन को मैं यहाँ से डीएक्टिव कर देता हूँ। और डीएक्टिव करके अगर आप रखना चाहें, ए टू फिक्स कैच के लिए प्लगइन होता है, बड़ा अच्छा प्लगइन है, बट अभी हमें कोई नहीं रखना है, हमें सबको डिलीट कर देना है। आप अभी यहाँ पे देखेंगे बिल्कुल साइट जो है नीट एंड क्लीन हो चुका है, कुछ भी नहीं है, बल्कि ये डमी की तरह एक वेबसाइट दिख रही है अभी। विद इन जो है 50 मिनट्स के अंदर अंदर ये पूरी वेबसाइट को हम ई कॉमर्स की वेबसाइट में तब्दील, तो आप चाहें कि इवेंटो मार्केट से आप इसको बाय कर लीजिए। अगर आप लेना चाहते हैं, ख़रीदना चाहते हैं, खुद से खरीद के कीजिए तो बेटर है। आप फ्री के चक्कर में मत रहिए, क्योंकि फ्री में सारी चीज़ें अच्छी नहीं होती है, आप एक मरतब ख़रीद लीजिए तो वही बेटर रहेगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आप अपलोड पर आ गए, और अपलोड वो थीम अपलोड अपना ऑलरेडी, अब इसको जो है एक्टिव कर लीजिए। अगर आप लाइव देखना चाहें लाइव देख सकते हैं। तो एक ग्रोसरी के नाम से एक थीम है, अब यहाँ पे देखेंगे कुछ प्लगइन के नाम से आ गया, बिगन इंस्टॉल प्लगइन। तो इससे पहले ये जो कचड़ा है अभी जो पड़ा हुआ है, ये थीम या कचड़ा, इनको आप हटा दीजिए, ये आप साइट पर मत रखिए, क्योंकि ये साइट को बहुत स्लो करता है। जो चीज़ें यूज़ नहीं होती हैं वो अगर साइट पर रखेंगे तो साइट बहुत स्लो काम करेगा, ठीक है। तो इसके लिए आप इन सारी चीज़ों को हटा दीजिए। यहाँ पे 11 प्लगइन्स हैं, सारे प्लगइन्स को मैं एक साथ सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसको इंस्टॉल पे क्लिक करता हूँ। हाँ, एक ही मतलब सब ये प्लगइन्स जो यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा, तो इस प्लग इंस्टॉल हो जाए तो फिर आप इसको क्या करना है, एक्टिव करना है। अब प्रोसेस थोड़ा समझ लीजिए, इसको फिर एक्टिव करना, तो एक्टिव करने का प्रोसेस सेम वही है कि आप इसको सबको सेलेक्ट कीजिए और उसके बाद इसको एक्टिव कर दीजिए, ठीक है। ये 11 प्लगइन्स है इस पर काम करने वाला, तो जब ये सबके सब एक्टिव हो जाएगा, अब एक्टिव होने के बाद आपको करना क्या है कि सिर्फ आपको डेमो इंपोर्ट करना है, बस इतना सा ही काम है। आप यहाँ पे अगर आप साइट को अगर रिफ्रेश करके देखेंगे तो साइट का लुक जो है बिल्कुल चेंज हो चुका है, ठीक है। आप देख सकते हैं लुक इसका चेंज हो चुका है, जो ग्रोसरी की जो लुक थी। अब प्लगइन इंस्टॉल होने के बाद आपको कल भी मैंने ये बताया था और आज भी ये बता रहा हूँ कि उसके ईकॉमर्स की आपको सेटअप करनी है, सिंपल है सेटअप। जैसे मैं अभी इंडिया में हूँ तो मैं यहाँ पर इंडिया के अकॉर्डिंग सेटअप कर लेता हूँ। आपको जैसे आप अफगानिस्तान में हैं तो आप अफगानिस्तान के अकॉर्डिंग आप सेट करना चाहेंगे सेट कर सकती हैं। जैसे मैं सपोज़ मैं यहाँ अफगानिस्तान डाल देता हूँ, कोई इशू नहीं है, आप अपने हिसाब से जो भी नाम एड्रेस डालेंगे वो आप अपना डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इंडिया ही का सेलेक्ट करता हूँ क्योंकि मैं अभी इंडिया ही में हूँ, ठीक है। तो करेंसी भी आप उस हिसाब से यूज़ करना चाहिए यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर नाम कुछ भी दे देते हैं, अभी मैं तो आपके सैम्पल के लिए दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। ये आप चाहें तो इसको छोड़ भी सकते हैं, उसके बाद आप क्लिक कर लीजिए। यहाँ पर स्टेट भी मांग रहा है ये, तो स्टेट भी दे देता हूँ दिल्ली। ये हो गया डेली, इसके बाद इंस्टॉल। अब ये करेंसी भी चूज़ करने के लिए कह रहा है, करेंसी बहुत ज़रूरी है अनार, क्योंकि इसी करेंसी के सब मारा मारे चल रही है, सही है ना। चलिए हो गया, यहाँ पे फिर आगे का जो प्रोसेस है ये सबको अभी स्किप कर दीजिए, इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, सब बाद में आप सेटअप कर सकते हैं, हमें ये सब चीज़ करना नहीं है, सब आप बाद में करना चाहे कर सकते हैं। फिर हमें उसकी जो वेबसाइट है उस तरह की वेबसाइट हमें जो बनानी है तो वो हमें करना है, ठीक है। यहाँ पे ये भी इसको मैं स्किप कर देता हूँ। अब ये पूरा ई कॉमर्स है सेटअप हो चुका है ऑलरेडी,
इसके बाद आप यहाँ पे डेमो इंपोर्ट करना चाहिए इंपोर्ट कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट डैशबोर्ड में जाना चाहिए डैशबोर्ड में जा सकते हैं। तो आज के केस में मैं आपको डेमो इंपोर्ट करके यहाँ पे नहीं दिखाने वाला और नहीं डेमो डालने वाला हूँ, ठीक है। अभी मैं डायरेक्ट जो है चलता हूँ डायरेक्ट। अब हमें क्या करना है, अब हमें देखते हैं इसका लुक एंड फील किस तरह से दिख रहा है। अब हमें जो बनाना है वो इस तरह की वेबसाइट बनानी है। यहाँ पे जो लुक एंड फील दिख रहे हैं, आपको इस टाइप की वेबसाइट बनानी है। तो बिल्कुल सिंपल है, आप क्या करें कि यहाँ से इसका होगा शॉप सेटिंग इंस्टॉलर पर वेलकम टू वन क्लिक इंस्टॉलर, ठीक है। ये यहीं पे है इंस्टॉलर के नाम से। तो डिफरेंट डिफरेंट थीम होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट उसका का रूल्स होते हैं। इससे पहले जो हमने किया था, इससे पहले का थीम ऑप्शन में जाके हमने कर लिया था, इजी तरीके से हो गया था। बट इसका यहाँ पे कुछ अलग दिखा रहा है, प्लगइन है जो जो हम काम करेंगे। इसमें लिखा हुआ है वेलकम टू वन क्लिक इंस्टॉलर सेटअप ऑफ मिनट्स सम पॉइंट्स टू नोट मेक श्योर दिस इज अ फ्रेश इंस्टॉलेशन एंड वाइल इंस्टॉलर इज रनिंग प्लीज डू नॉट रिफ्रेश द पेज और नोटिफिकेशन विल शो आफ्टर डेमो हैज़ इंस्टॉल्ड, ठीक है। ये अभी ये कह रहे हैं कि अभी हमें रिफ्रेश वगैरह नहीं करनी है, जैसे ही ये डेमो इंस्टॉल कर देगा तब जो है ये नोटिफिकेशन दे देगा, ठीक है। तो हम तब तक के लिए यहाँ पे देख लेते हैं ये क्या कह रहे हैं कि डेमो ऑलरेडी क्या अगर इंस्टॉल हो चुका है, क्या बोल रहा है। यहाँ पे मैं एक बार दोबारा रिफ्रेश करके देख लेता हूँ, क्या खूबसूरत सा है। आप जैसे आपकी जो थीम है, जिस तरह का थीम है, कितने मिनट लगा आप अगर आप घड़ी से भी देखेंगे तो, जैसे यहाँ पे मैं देख रहा हूँ यहाँ पे सिर्फ 11 मिनट में यह काम अभी हो चुका है, ठीक है। आप लुक लाया फील कर लीजिए इसका, जैसे आपके पास ये वेबसाइट है और आपके पास जो थीम थी ये वाली थीम थी, सेम उसी तरह का आपका यहाँ पर मिल गया। आप अगर ये होम पेज लाना चाहेंगे, ये होम पेज लाना चाहेंगे, ये होम पेज आप ला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप होम पेज टू, होम पेज थ्री जो सेटअप करना चाहेंगे वही सेटअप आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये सेटअप आप कैसे करेंगे, अगर होम पेज टू, होम पेज थ्री इस तरह सेटअप करना हो तो आप यहाँ पे जाएंगे, पेजेस पे आएंगे, और पेजेस पे आने के बाद यहाँ पे आपको मिल जाएगा होम, ये हो गया फ्रंट पेज, और फ्रंट पेज के नाम से यहाँ पे और कोई है, यहाँ पे सैम्पल पेज एक है, इधर एक है शॉप पेज, यहाँ पे एक शॉप पेज के नाम से एक, यहाँ पे शॉप पेज है और ये फ्रंट है। तो यहाँ पे फ़िलहाल जो है अभी होम पेज यहाँ पे एक ही है, ठीक है। अच्छा सॉरी, ये एक शॉप पेज अलग है, एक पेज अलग है। तो खैर ये इस तरीके से आप बनाना चाहें बिल्कुल इसी तरह से बना सकते हैं। इस तरह का अगर आप होम पेज बनाना हो तो वो भी आप बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप इसमें बिल्डर यूज़ कीजिए, बिल्डर यूज़ करके आप इजी तरीके से आप बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद मैंने बताया आपको बिल्डर किस तरह से यूज़ करेंगे नहीं करेंगे, वो भी मैंने इससे पहले के ट्यूटोरियल में मैंने बताया है। तो बात कहने की बात यह है कि यहाँ पर ईजी तरीके से आप बिल्कुल क्विकली चीज़ों को आप कर सकते हैं, और करके अपना जो बिज़नेस है, अपना वर्क है, आप उसको सेटअप करना चाहेंगे सेटअप कर सकते हैं। ये बस यहाँ पे एक चीज़ आ रही है कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि आपका वो नहीं आ रहा है, ऐड टू कार्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा इस पर। जब आप डिस्क्रिप्शन पे देख रहे हैं तो नहीं आ रहा है, लेकिन जब आप यहाँ पे होम पेज में देखते हैं तो यहाँ पे ऐड टू कार्ट का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो इसमें जैसे इसको मैं देख अंदर जाऊँ तो यहाँ पर ऐड टू कार्ट इसमें दिख रहा है और उस पर नहीं दिख रहा था। तो कुछ कुछ प्रोडक्ट्स में वो प्रोडक्ट्स पर नहीं दिख रहा होगा, जिस प्रोडक्ट्स जो आउट ऑफ स्टॉक प्रोडक्ट हो गया होगा वो चीज़ पर नहीं आ रहा होगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि ये प्रोडक्ट्स को आप इंपोर्ट कर लें, एक्सपोर्ट कर लें, यानी आप चाहते हैं कि इसकी जो प्रोडक्ट्स हैं बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, 12 प्रोडक्ट्स हैं, वो प्रोडक्ट्स चाहते हैं किसी दूसरे वेबसाइट में भी डालें, आप इजी तरीके से डाल सकते हैं। मैंने आपको इससे पहले ही बताया था कि आप यहाँ से एक्सपोर्ट कर लीजिए और जिस साइट्स में आपको डालना होगा उस साइट्स में आप उसको इम्पोर्ट कर लीजिएगा, ठीक है। सिंपल सा है, आप इम्पोर्ट डेमो इम्पोर्ट कर लें यहाँ पर, अब फिर जाके आप क्या करेंगे इसको यहाँ पे एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे, और एक्सपोर्ट पे क्लिक सॉरी इंपोर्ट में क्लिक करके आप उस तरह की जो भी चीज़ है उस तरह का डाउनलोड अपलोड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी भी दूसरे साइट में डालना चाहे डाल सकते हैं, ठीक है। तो खैर देखिए कितना ईजी तरीका है, इसमें कोई झंझट, कोई टेंशन, किसी तरह की उलझन, या किसी की किसी तरह की कोडिंग, या किसी तरह का क्या नाम है किसी से हेल्प लेने की ज़रूरत, कुछ नहीं, कुछ नहीं है, बिल्कुल इजी है। आप इजी तरीके से चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं, और मैं आपको ये भी बता दूं कि आप इसी थीम को यूज़ करके आप बिग बास्केट की तरह से भी वेबसाइट बना सकती हैं, ठीक है।
लेकिन क्या है, इसके लिए आपको करना पड़ेगा, होम पेज बनाना पड़ेगा, उस होम पेज के साथ आपको लुक लाइक उस तरह से आप बना सकती हैं। कोशिश कीजिए, अगर आप उस तरीके से बना लेंगे बिग बास्केट की तरह से तो बहुत अच्छी बात है। ये जैसे ये सर्च बार हैं, ये सारी चीज़ें हैं, इस तरह की भी आप, हाँ, ये सारी एक्स्ट्रा हैं, ये सारी एक्स्ट्रा हैं इन्होंने कि इन्होंने खुद क्रिएट किया है ये होम पेज। तो ये चीज़ भी आप अच्छे से अगर करना चाहेंगे इस तरह से लुक एंड फील आपकी अपनी वेबसाइट पे, तो बिल्कुल ईजी तरीके से आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर किसी तरह की आपको प्रॉब्लम होती है तो आप शॉर्ट आउट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, हमने तो कभी आपसे मना नहीं किया, आप बिल्कुल जब चाहें जिस वक्त चाहें आप पूछ सकते हैं। यहाँ पे देखिए कितना इसका ये फास्ट काम कर रहा है, थीम भी बहुत फास्ट है, ठीक है। यहाँ पे अपना ऑर्डर ऑर्डर डालें, एड्रेस वर्डर डालेंगे और यहाँ पे आपको ऑर्डर करने का मौका मिल जाएगा। यहाँ पे क्या कह रहा है, पेमेंट मेथड इनवैलिड। अब ये बोल रहा है कि पेमेंट मेथड इनवैलिड है, तो पेमेंट मेथड आप कहाँ सेट करेंगे ये भी आपको पता है। ये आप जाएंगे वूकॉमर्स में जाएंगे, सेटिंग पे जाएंगे, मतलब पता तो आपको सब कुछ है, लेकिन आपको क्या है कि थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब थोड़ी सी आप प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो सारी चीज़ें यहाँ से डन हो जाएंगे। ये मैंने कैश ऑन डिलीवरी मैंने ओपन कर दी, और यहाँ पे जो भी ओपन करेंगे वो सेटअप करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने जाके सेटअप कर लेंगे, हो जाएगा। तो अब जैसे मैंने वो कर लिए, अब यहाँ से मैं ऑर्डर करता हूँ, देखता हूँ ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ पे पेमेंट इन्फॉर्मेशन बोल रहा है कि ये अभी तक नहीं हुआ है, तो ये इनेबल नहीं हुआ है, यहाँ से हमें इनेबल करना पड़ेगा, मैनुअली जाके ये इनेबल यहाँ से करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं इसको रिफ़्रेश कर लेता हूँ पहले, तो यहाँ पे आपको अब दिख गया होगा कैश ऑन डिलीवरी आ गया ना, तो ये कैश ऑन डिलीवरी पे आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं और इसका ऑर्डर दे सकते हैं। ये देखिए आपका ऑर्डर यहाँ पे आ चुका है, फर्स्ट ऑर्डर यहाँ से डन हो चुका है। अब यहाँ से इजी तरीके से देख सकते हैं, अब यही ऑर्डर आपको देखना होता है, सिंपल है। आप अपने यहाँ पे रिफ़्रेश कीजिए और रिफ़्रेश करके अपनी वेबसाइट पे देख सकते हैं, ऑर्डर आ चुका है ऑलरेडी। हाँ, इसमें कुछ टेक्नोलॉजी है, जो इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है वो ये कि जैसे आपके पास ये थीम आ गया, इस थीम को अगर आप चाहते हैं कि नहीं सॉरी ऑर्डर आ गया, इस ऑर्डर को चाहते हैं कि आप बिलिंग कराएं, तो बिलिंग जो आपके पीडीएफ में आए, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यानी आप अगर चाहें कि जो आपके पास ऑर्डर आ रहा है वो ऑर्डर जो है आपके पास बिल निकल जाए पीडीएफ की शक्ल में, ताकि आप कस्टमर को दे सके, सिंपल है। उसके लिए आप क्या करें, आप प्लगइन पे जाएं, और प्लगइन पे जाने के बाद एक पीडीएफ के नाम से एक बिल आता है, पीडीएफ बिल, आप वो इंस्टॉल कर लीजिए, पीडीएफ वूकॉमर्स, वैसे पीडीएफ के नाम से भी शायद आ जाएगा। ये आ गया, फर्स्ट ही में आ गया ये प्लगइन है, ये वूकॉमर्स पीडीएफ इनवॉइस एंड पैकिंग लिस्ट, तो इसको आप इंस्टॉल कर लीजिए, थीम बहुत अच्छा है। ये भी ठीक ठाक है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा बेटर है। इसमें आप कलर वगैरह भी कर सकते हैं, अपने लोगो वगैरह भी लगा सकते हैं, और इसमें क्या नाम है, आप कोई मॉडिफिकेशन करना चाहें खुद से वो भी आप कर सकते हैं। तो ये अगर आप प्रीमियम यूज़ करते हैं तो बेटर है, तो अगर आप अच्छे से सेटअप करना चाहते हैं बिज़नेस, तो उसके लिए प्रीमियम ले लीजिए, थोड़ा सा $5 $6 लगता है स्टार्टिंग में, बट आप वो चीज़ें ले सकते हैं। प्रीमियम लेने के लिए आप इवेंट मार्केट से ले सकते हैं, यहाँ यहीं पे आपको WordPress में भी मिल जाएगा प्रीमियम, तो आप करना चाहें आप इजी तरीके से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर हमें बताना ये था कि हम इस तरह के जो डैमो हैं उस तरह का हमें डैमो बनाना था, तो हमने ये आपको बना के भी दिखा दिया। और ये एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, ये जो मैंने आपको बताया कि PDF, ये एक्स्ट्रा चीज़ आपको जानना है तो एक्स्ट्रा चीज़ आप इसके बारे में जान सकते हैं। जैसे आप ये देख लें, यहाँ पे मैंने जो ऑर्डर किया था, अभी उसी ऑर्डर को मुझे अभी प्रिंट आउट निकालना है, जो बिल निकालना है कस्टमर के लिए, आप इजी तरीके से निकाल सकते हैं अब इसका बिल, ठीक है। वो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका PDF बिल आ गया ना, ये PDF इनवॉइस के नाम से आ गया, ठीक है। इस पर आप क्लिक कीजिएगा, आपका बिल रेडी हो जाएगा, जो आपके जो ऑर्डर आया हो उसे रेडी हो जाएगा। हाँ, इसमें आपको डिज़ाइन करना हो, यहाँ पे आपको लोगो लगाना हो, आपकी कंपनी की इन्फॉर्मेशन लगाना हो, तो आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। नीचे कुछ बॉटम में लगाना हो, तो इसमें कुछ सेटअप करना चाहे अपने बिल का, वो सेटअप कर सकते हैं। इसमें अगर टैक्स वगैरह जो भी होगा वो टैक्स भी इंक्लूड कर सकते हैं इस पर। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, वो मोस्टली मैंने सारी चीज़ें आपको बताई इससे पहले की वीडियो में, लेकिन मैंने आपको जो मेन कॉन्सेप्ट था कि आप पूरी पूरी वेबसाइट को किस तरीके से आप डेमो इंपोर्ट कर सकते हैं विद इन जो है 50 मिनट 40 मिनट के अंदर, पूरी पूरी एक वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं। अब बस यहाँ पे आपको क्या करना है, आप अपना कंटेंट और जो सारी चीज़ें उसको चेंज करना है, आपकी वेबसाइट रेडी, कुछ करने की भी आपको नौबत नहीं आई, कुछ इतना ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ा। तो खैर, ये इजी चीज़ है। अगर आप कोई सवाल हो, कोई डाउट हो, कोई क्लेरिफिकेशन हो, तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं।